यार मैं फ्रॉड हो चुका है यार। अब मुझे इतना कोई गुस्सा आ रहा है ना इस दराज पे, दिल कर रहा है मारू इसको पकड़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक मिस्ट्री बॉक्स की जो कि हमने दराज से मंगवाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी मैं प्राइस आपको बता देता हूँ। उसकी प्राइस जो है वो है 570 रुपये। ये इसकी प्राइस है। यहाँ पे एड्रेस लिखा तो मैंने उस पर मार्कर लगा दिया, लेकिन ये इसकी प्राइस है अगर आपको फोकस आ रहा हो तो। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। अब वैसे बात कर लिया तो मुझे तो ये फ्रॉड ही लग रहा है, क्योंकि इतना सा मैंने मतलब 570 रुपये खर्च किए और इतनी सी चीज़ है। तो देखते हैं क्या निकलता है। तो यार मंगवाया तो मिस्ट्री बॉक्स था, लेकिन इन्होंने शॉपर दे दिया। दराज अंकल क्या कर रहे हो यार। चलें फिर भी अनबॉक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अंदर से हमें पेपर वर्क देखने को मिलता है, जो कि इसमें एड्रेस वगैरह लिखा होगा। इसको हम साइड पर कर देते हैं। एक ये चीज़ निकली है और बाकी तो कोई चीज़ नहीं है, तो इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। काफ़ी हार्ड पैकेजिंग की गई है। 2000 years later। तो इसमें हमें सारी केबल्स देखने को मिलती हैं। अब मुझे नहीं पता ये क्या चक्कर है दराज का। ये क्या है यार, ये क्या है? ये पबजी का ट्रिगर है। अब पबजी मैं नहीं खेलता, मेरा भाई खेलता है, तो उसे दे दूंगा ये मैं। और ये उसके लिए काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट होने वाली है। वो पैक काफ़ी पहले से मुझे कह रहा था कि मुझे पबजी के ट्रिगर चाहिए, तो ये उससे दे दूंगा। इसको हम बाद में चेक करेंगे। और ये वायर सब पता नहीं यार अब क्या बोलें। चले फिर भी देख लेते हैं क्या है। ये एक लाइटनिंग केबल है जो कि आईफोन्स के लिए यूज़ होगी। मेरे पास तो कोई आईफोन है नहीं इसके साथ, और भी एंड्रॉयड की भी है जो कि एक USB केबल है, तो ये भी किसी काम की नहीं है। बस चलें रख लेते हैं, फिर भी सही है। और ये भी एक डेटा केबल है। तो अब मुझे नहीं पता ये कितने ही है, मैं प्राइस चेक करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। लेकिन आई थिंक ये हमें लॉस हुआ है, क्योंकि ये इतना महंगा नहीं होगा, ये कोई 250 या 300 होगा। फिर भी हम दोबारा चेक करके देखते हैं। मैंने प्राइस वगैरह चेक किया तो 200 रुपये की ये हैं पबजी ट्रिगर, और 100 रुपये की ये केबल होगी और 100 की ये केबल होगी। तो आई थिंक हमें लॉस हुआ है। अब पता नहीं दराज किस तरफ जा रही है, अब क्या कर सकते हैं यार। अब क्या कर सकते हैं यार, बस अब लॉस हो चुका है काफ़ी, मतलब 100-200 रुपये का लॉस हो चुका है हमें। एंड दराज से मुझे इतना कोई गुस्सा आ रहा है ना इस टाइम। बंदा यार अपने सेलर को ही चेक कर ले, उसकी रेटिंग वगैरह मैंने नहीं देखी थी। ये मेरी गलती थी कि मैंने रेटिंग वगैरह नहीं चेक की थी, मैंने डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया था। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, देखा गया। तो अगर वीडियो पसंद है तो यार लाइक कर दें, अगर ज़्यादा पसंद है तो शेयर करना, और ज़्यादा पसंद है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि इनका मैं क्या करूँ दराज वालों को, या इन पर कॉल करूँ इनको, तो कॉल तो ये मुझे नहीं लग रहा, या रिटर्न करवाऊँ इनका दोबारा इनके कॉन्टेक्ट करके। अब देखते हैं क्या बनता है। तुम सारे बंदर और ये हाइप का एक बंदर बांट, ले ले आजा ले ले मेरी हाइप शेयर कर, अभी भी तू चल जाए तो वो होगा एक मिरेकल, ड्रग्स प्रमोट नहीं किए जो किया वो। और ये रहा वो मिस्ट्री बॉक्स। आई नो कि ये बॉक्स नहीं है, लेकिन खैर दराज चाचू ने जो किया। बॉक्सिंग करने जा रहे हैं दराज के मिस्ट्री बॉक्स की जो कि मैंने दराज से मंगवाया है। तो चलिए शुरू करते हैं।